और अब 12 से एक बड़ी खबर बता दें आपको, यहाँ नौकरी के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी की गई। सैलून पर काम करने वाले युवक से भी ठगी की गई। होमगार्ड में नौकरी लगाने के नाम पर ऐठे 54,000 रुपए। कोतवाली थाना पुलिस ने हिंगोनिया निवासी अंकित मीणा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 12 से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नौकरी के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विपिन से। विपिन, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में, लोगों से लाखों की ठगी की गई है? बिल्कुल, ये मास्टरमाइंड एक का पर्दाफाश हुआ है। ये हिंगोनिया निवासी जो मांगरोल थाने में पड़ता है, उस वहाँ का निवासी अंकित मीणा, और ये लगातार जो है कई युवकों से नौकरी के नाम पर, कभी होमगार्ड में, कभी पुलिस में, तो कभी निजी कंपनियों में लगाने के नाम पर उनसे लाखों की ठगी कर चुका है। मामला जब अब संज्ञान में आया, जब कोतवाली थाना क्षेत्र के सैलून पर काम करने वाले एक युवक ने, इस युवक ने 54,000 रुपए की ठगी कर ली। युवक उससे फॉर्म के नाम पर, तो कभी अधिकारियों को देने के नाम पर रुपए लेता रहा, और इसके बाद जब युवक ने कागजात मांगे तो उनसे इस फर्जी ठगी करने वाले युवक ने कभी गाड़ी जलना बता दिया, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होना बता दिया कि कागज उसमें जल गए हैं। और यही नहीं, इस ये मास्टरमाइंड इतना मास्टरमाइंड था कि कई बार तो अपने माता पिता को झूठा अस्पताल में भर्ती बताकर, कोई फर्जी फोटो बताकर लोगों से रुपए ऐंठ लिए इलाज के नाम पर। तो इस तरह की कई वारदातें, लोगों से ठगी की वारदात सामने आई है, और कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में जो है युवक रिपोर्ट दर्ज कर ली है और युवक की तलाश जारी है। इसके घर पर भी देर रात पुलिस ने दबिश दी, लेकिन ये युवक भी अब फरार बताया जा रहा है। जी विपिन, इस मास्टरमाइंड आरोपी ने अपने मतलब कितने लोगों को अभी तक ठग बना चुका था, कितने लोगों से ठगी कर चुका था, कुछ जानकारी? दर्जन भर मामले हैं जिसमें नौकरी और साथ ही अपने माता पिता को बीमार बताकर उनसे रुपए ऐंठने के मामले, ऐसे दर्जन भर मामले जो है जांच में, प्राथमिक जांच जो हुई है पुलिस की, उसमें मतलब सामने आ रहा है। और अभी जो फिलहाल जब एक मामला रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो कई ऐसे आरोपी भी, ऐसे ठगी के शिकार लोग भी अब थाने में पहुंचने लगे हैं जिनसे इस युवक ने ठगी की है। तो पुलिस ने इसी आधार पर जो है मामला दर्ज किया है, और लाखों की ठगी की बात सामने आ रही है। तो जल्द ही इस युवक के जब पकड़ा जाएगा, तो हो सकता है कि इसके किए गए ठगी के और कारनामे सामने पुलिस को मिले। जी विपिन, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।